हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गो वेल पे। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में, जो आजकल लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसके गुणों के कारण लोग इसे पीना भी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोग चाय का सेवन हजारों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आजकल ग्रीन टी, जिसे हरी चाय कहा जाता है, इसे लोग ज़्यादा पीना पसंद कर रहे हैं। ग्रीन टी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्रीन टी का रोज़ाना 1 से 2 कप सेवन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और यह हमारे पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है। अब जानते हैं ग्रीन टी क्या है। ग्रीन टी को कैमिलिया साइनेंसिस नाम के पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। ग्रीन टी को विकसित पश्चिम देशों ने क्यों ना किया हो, पर भारत की भूमि पर इसकी अच्छी पैदावार होती है। मुख्य रूप से असम, मेघालय के पहाड़ों और जंगली क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ग्रीन टी का उत्पादन करने के लिए ताजे पत्तों को तोड़ने के बाद तुरंत भाप दी जाती है, ताकि ग्रीन टी का निर्माण अच्छी तरह से हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में नेचुरल पॉलीफेनॉल्स सुरक्षित रहते हैं। पॉलीफेनॉल्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ब्लैक टी से अधिक कैटेचिन होता है, जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब बात करते हैं ग्रीन टी से होने वाले फायदे के बारे में। यह आपके वजन को कम करने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह आपकी चिंता को कम करने के साथ साथ आपको कंसंट्रेट करने में भी मदद कर सकता है। ग्रीन टी में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो खून में ग्लूकोज के स्तर को कम कर मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स, बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में मदद कर सकता है। इसमें EGCG नामक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बचाने में मदद कर सकते हैं। ग्रीन टी में कैटेचिन होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करता है। ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स हमारे ओरल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे ओरल कैविटी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाकर हमारे डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ग्रीन टी के सेवन से कई मानसिक बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है, जिनमें से एक अल्जाइमर है। इस बीमारी में दिन प्रतिदिन व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और डिसीजन लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। चलिए जानते हैं ज़्यादा ग्रीन टी पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। ग्रीन टी के ज़्यादा सेवन से पेट दर्द और लीवर संबंधी समस्या हो सकती है। ग्रीन टी में कैफीन होता है, इसलिए इसके अधिक सेवन से सिर दर्द, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्या हो सकती है। ग्रीन टी में टैनिक एसिड होता है, इसलिए इसके अधिक सेवन से दांतों में दाग पड़ सकते हैं। ग्रीन टी के अत्यधिक सेवन से आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं ग्रीन टी का सेवन अपने डॉक्टर से पूछकर ही करें। इस बात का ध्यान दें कि ग्रीन टी का सेवन आपको एक दिन में 2 से 3 बार ही करना है। ग्रीन टी से होने वाले नुकसान के बारे में अब आप जान ही चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रीन टी बनाने और पीने के सही तरीके के बारे में। इस बात का विशेष ध्यान दें कि ग्रीन टी बनाते वक्त आपको पानी में ग्रीन टी की पत्तियों को डालकर उबालना नहीं है, बल्कि पहले आप पानी को उबालने के बाद गैस ऑफ कर लें। आप उसमें ग्रीन टी की पत्तियों को डालकर लगभग 1 मिनट बाद छन्नी से छानकर इसका सेवन करें। इस बात का ध्यान दें कि ग्रीन टी बनाने के बाद तुरंत ही इसका सेवन करें, क्योंकि काफ़ी देर होने पर इसमें हार्मफुल टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ग्रीन टी का सेवन सुबह खाली पेट और डिनर के बाद बिल्कुल भी ना करें। इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हो तो आपका पेट पूरी तरह से खाली ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं
कुदरत ने हमें इतनी सारी बहुमूल्य चीज़ें दी हैं जिसका सेवन हम एक सही मापदंड पर करके ही खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें और हमारे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें और जीवन से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल गो वेल।